हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? तो डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी से रेजुनेट करे, हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजुनेट ना करे। तो जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं, हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की ये भी करंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की अभी उनके लिए करंट फीलिंग क्या बनी हुई है, क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। बहुत सारे कार्ड पॉप अप होके आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं थोड़ा सा सफल करना चाहती हूँ कि सफल करने के बाद कार्ड अच्छे से आए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी, क्या करंट फीलिंग है उनके लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का। आपके पर्सन गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो धरती पर जुड़ा हुआ नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है और ये गॉड के द्वारा जोड़ा गया है और ये एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसी आपके पर्सन की फीलिंग चल रही है। और आपका ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, काफ़ी कुछ कनेक्ट हो चुके हैं गॉड के साथ। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के साथ मतलब फ्रेंडशिप की है, लेकिन जो आपके साथ उनको फीलिंग आती है, जो फ्रेंडशिप आपके साथ है उनकी, वो ऐसी फ्रेंडशिप उनको आज तक किसी के भी साथ महसूस नहीं हुई है, ना ही उनके साथ ऐसे कनेक्शन किसी के जुड़े हैं जो उनकी अंतरात्मा तक को झिझोड़ दे या उनकी अंतरात्मा तक पहुँच चुका है ये रिश्ता। और आप उनके लिए एक स्पेशल पर्सन हो, एक ख़ास पर्सन हो जिसको वो कभी भुला नहीं सकते या सकती, क्योंकि आप में कुछ ख़ास है। आप बहुत सारे लोगों से वो मिले हैं या मिली हैं, लेकिन किसी में भी ये डिवाइनली अट्रैक्शन नहीं था जो आपके अंदर है। हो सकता है कि उनका थर्ड आई ओपन हो चुका हो सकता है कि वो मेडिटेशन करते हों या करती हों, जिस वजह से उनको आपके और उनके रिश्ते के बारे में जानकारी मिली है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। उनको पता है कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, किस तरीके से उनको अपनी ओर खींचना है। और यहाँ पर इनफाइनाइट का ये सिंबल है, ये अनंत ब्रह्मांड का द्योतक है। इसको देखकर ये जो मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ चुकी है बात कि आप दोनों इनफाइनाइट हो, अनंत काल से आप दोनों मिलते रहे हो, अनंत काल से आप दोनों एक दूसरे पर वर्क करते रहे हो, अनंत काल से आप एक दूसरे के जो भी निगेटिव ट्रेट्स थे उनको बाहर निकालने का प्रयास करते रहे हैं। और फाइनली आप फिर से इस जन्म में मिले हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ अपलिफ्ट करने के लिए। तो आपके पर्सन एज ए मजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं वो जिस चीज़ को चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी ओर पा लेते हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है वो काफ़ी विजुलाइज करते हों चीज़ों को,
इसलिए वो जल्दी से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो जो भी अब तक उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो अपनी थॉट में उलझे हुए थे, 3D के इमेजिनेशन में थे या 3D के लोगों के बातों में थे, वो उस चीज़ों से बाहर निकल आए हैं। उनको अपने और आपके रिश्ते की असलियत का पता चल चुका है। उनको मालूम पड़ चुका है कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का। उनको ये भी अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुका है कि आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं है पर्सन जो उनको समझ सके। आप उनकी रूह की गहराई में उतर चुके हो। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसे हो जैसे मेड फॉर ईच अदर। और ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे आप दोनों के रिश्ते में कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते, एक दूसरे को फॉरगेट नहीं कर सकते। आपको हमेशा उनकी क्रेविंग रहती है, उनको हमेशा आपकी क्रेविंग रहती है, क्योंकि आपकी सोल जानती है इस बात को कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। उनकी सोल जानती है आपको, आपकी सोल उनको जानती है। तो इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो ये टूट जाए रिश्ता। ये ज़रूर थोड़ा सा मुश्किलों में घिर सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। मैरिज का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश तभी रह पाऊँगा जब मैं अपने इस डिवाइन काउंटर पार्ट को पा लूँगा, या मैं अपने इस फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड जो भी है उसको पा लूँगा, तब मेरी लाइफ में पूर्णता आएगी। ऐसी उनकी फीलिंग बनी हुई है और आपको पाकर काफ़ी खुश हैं वो। उनको पता चल चुका है फाइनली कि जो भी जीवन में कमी है वो सिर्फ एक और सिर्फ आपके आने से दूर हो चुकी है, और जो बचा हुआ एकांकीपन है वो आपके आने से ही दूर होगा। ऐसी उनको डिवाइन की तरफ से रोशनी मिल चुकी है, ज्ञान मिल चुका है, और उनको एंजल्स गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं साइंस के थ्रू, सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, और वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। हो सकता है कि फीमेल मेल कोई भी हो वो, लेकिन उनको अच्छी तरह से ये रिश्ते की वैल्यू समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। तो अपने आप को बाकी की बुरी चीज़ों से गार्ड कर रहे हैं। दुनिया में जो भी इधर से उधर से प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एंजल्स से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपने आप में पीस चाहिए और उनको ये समझ में आ चुका है कि वो पीस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू मिलेगी, या सिर्फ अपने अंदर झांकने पर मिलेगी, अपने आप के साथ मिलेगी। तो वो अपने साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो उनको पता है कि लाइफ में हैप्पीनेस आप दोनों के साथ होने से ही है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को 1 वीक में, 1 मंथ में मैसेज करें, प्रपोज करें, और हो सकता है कि कहीं घूमने जाएं। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हैं, आप दोनों ही, हो सकता है कि इंट्यूटिव हो चुके हैं, आप दोनों को ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स साइन और मैसेजेस दे रही है। आपके मन में जो भी डाउट होते हैं, जो भी सवाल होते हैं, उनके कहीं ना कहीं से आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं, आंसर्स आ जाते हैं, ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं चीज़ें। तो गॉड का यही मैसेज है, एंजल्स का यही मैसेज है आपके लिए कि आप लोग एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करिए। तो ये था मैसेज आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में। अब देखते हैं कि उनके जो रिटन मैसेजेस हैं वो क्या कहना चाहते हैं रिटन मैसेजेस के थ्रू। तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेज निकालूंगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन अभी इनके लिए क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। थैंक यू। वाह, वी विल मीट सून। बहुत अच्छा मैसेज है, आप दोनों जल्द मिलेंगे। आई लव यू मोर देन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। वाह, वो आपको बहुत
ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना वो किसी से भी नहीं करते हैं। सॉन्ग है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा है। नेक्स्ट सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सुनिएगा, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। नेक्स्ट क्या है, मैसेज मैसेज, आई फील सेफ विथ यू। ज़्यादा पास करती हूँ तो कैमरा भी ब्लर कर देता है, नहीं भैया मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो ये मैसेज है, आई फील सेफ विथ यू, वो आपके साथ अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। आई हेट बींग अवे फ्रॉम यू, मुझे तुमसे दूर रहने पर नफ़रत होती है, अपने आप से नफरत करता हूँ जब तुमसे दूर रहता हूँ या रहती हूँ। तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।